अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट इज़ ऑर्डर इंकोसेफेलिया। ऑर्डर इंकोसेफेलिया के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशी है इसकी और उसका नाम है टुआट्रा। टुआट्रा जो है इसका साइंटिफिक नेम है स्पिनोडॉन पंक्चुएटस। लेट्स सी इट्स पिक्चर फर्स्ट। आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ऑर्डर इंकोसेफेलिया का ये मेंबर है टुआट्रा स्पिनोडॉन पंक्चुएटस। आपको ये लिजर्ड लाइक रेप्टाइल नज़र आ रहा है और इस ऑर्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक स्पीशी मौजूद है। अब ये सुपरफिशियली लिजर्ड लाइक रेप्टाइल है और इसके जो फॉसिल्स हैं वो 200 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स, मीज़ोज़ोइक ईरा से पहले जो ये एनिमल रहता था तब के फॉसिल्स हमें मिले हैं। और इसके फॉसिल्स में जो के हिसाब से इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था और जो अब इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई, ये अनचेंज्ड है बिल्कुल। अब इसके अंदर एक ऐसा करेक्टर है जिसकी वजह से ये दूसरे रेप्टाइल से डिफरेंट है, वो इसके टूथ की का स्ट्रक्चर है, टूथ की अटैचमेंट का स्ट्रक्चर। और टूथ का स्ट्रक्चर जो है वो टुआट्रा का बाकी रेप्टाइल से डिफरेंट है, ठीक है। इसके अपर जॉ में दो रोज ऑफ टीथ होते हैं जो कि अभी हम देख लेते हैं। देखें ये इसका है अपर जॉ, ठीक है। इसके अपर जॉ में एक रो ऑफ टीथ ये नज़र आ रहा है और दूसरी रो ऑफ टीथ ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके आगे वाले दांत हैं, इसकी भी हम बात नहीं कर रहे। अपर जॉ में दो रोज़ ऑफ टीथ हैं और इसके लोअर जॉ जो होता है जहाँ पर आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है इसका लोअर जॉ, इसके लोअर जॉ में सिर्फ एक रो ऑफ टीथ है, ठीक है। तो जब ये मुंह बंद करता है ना तो इसकी जो लोअर जॉ का जो रो ऑफ टीथ होती है वो इन दोनों रोज के दरमियान में आके फंस जाती है, जिसकी वजह से इसके दांत जो होते हैं बड़ा ही शियरिंग बाइट करते हैं। शियरिंग बाइट का मतलब बड़ा काटने वाली तेज़ इसकी बाइट होती है। और जब ये इतनी तेज़ होती है कि अगर ये किसी परिंदे को खाएगा तो उसकी जो सर है उसको आसानी से ये काट सकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीकैपिटेट करना, ठीक है। तो किसी भी छोटे बर्ड को अगर ये खाता है तो उसको ईजिली डीकैपिटेट कर सकता है। इससे पहले टुआट्रा की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वो न्यूज़ीलैंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, और लेकिन न्यूज़ीलैंड में जब इतना ज़्यादा इसकी तादाद थी तो लोग जो थे वो इसका शिकार करने लग गए, और इसके अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स इसका शिकार करते थे जिसकी वजह इसकी तादाद कम हो गई, ठीक है। और इसलिए न्यूज़ीलैंड ने इसको प्रोटेक्ट किया बाई मेकिंग लॉज। और लेकिन आज कल टुआट्रा जो है वो हमें न्यूज़ीलैंड से काफ़ी दूर के इलाकों में ऑफशोर आइलैंड्स पे मिलता है, जो कि ऑफशोर का मतलब होता है शहर से हट के काफ़ी दूर जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर मिलता है हमें टुआट्रा, ठीक है। ये ओवीपैरस है यानी कि अंडे ले करता है, और ये अंडरग्राउंड बरोज में रहता है जो कि ग्राउंड नेस्टिंग सी बर्ड्स की हैं, ठीक है। अब ग्राउंड नेस्टिंग सी बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि समंदर के ऊपर आते हैं और वो ज़मीन के ऊपर अपने नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ज़मीन पे नेस्ट बनाने वाले बर्ड्स होते हैं ये बरों भी बनाते हैं अपनी, ठीक है। तो इनकी आपको एक सी बर्ड नज़र आ रहा है जो कि बरों में इस टाइम मौजूद है। तो जो टुआट्रा है वो इसके साथ बरों शेयर करता है, यानी कि इसकी बरों में टुआट्रा अमूमन हमें मिलता है। नेक्स्ट, टुआट्रा शिकार पे कब जाता है? ये वेंचर करने जाता है यानी कि शिकार के लिए निकलता है अपनी बरों से डॉन एंड डस्क के टाइम पर, ठीक है। यानी कि जब मध्यम सी रोशनी होती है उस टाइम निकलता है ताकि वो इंसेक्ट्स को खा ले, ठीक है। और समटाइम्स कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्मॉल बर्ड्स को भी ये खा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है ऑर्डर स्क्विमेटा। ऑर्डर स्क्विमेटा को हमने तीन सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इन तीनों सब ऑर्डर्स के जो एंसेस्टर्स थे वो लेपिडोसॉर लीनियज में उनका ओरिजिन हुआ, जो कि 150 मिलियन ईयर्स अगो पुराने थे, और उनसे बहुत सारे मॉडर्न एनिमल्स बने जो अभी हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला सब ऑर्डर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सब ऑर्डर सॉरिया। सब ऑर्डर सॉरिया में लिजर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसकी 3,300 स्पीशीज़ हैं, और स्नेक की ऑपोजिट टू स्नेक जो है ये जो लिजर्ड्स होती हैं इनके पास दो पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। दो पेयर ऑफ लेग्स इस पिक्चर में आप देखें, यहाँ पर एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है, ठीक है जी। और
हमारे पास दे आर नॉट डेंजरस टू ह्यूमंस, और 300 स्पीशीज़ जो हैं दे आर हमारे पास, इसमें सिर्फ एक ही स्पीशी ऐसी है जो कि थोड़ा वेनमस है, लेकिन बाकी जो है वेनमस नहीं है। जो एक स्पीशी है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके पास जो जॉज होते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ है, और इसका अपर लोअर जॉ यहाँ पर आगे एंटीरियर जगह पर यहाँ पर यूनाइट होता है। मतलब यानी कि ऊपर वाले जॉ के अंदर नीचे वाला जॉ जो है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ लिजर्ड्स जो होती हैं हमारे पास, लेगलेस लिजर्ड्स भी होती हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये वाली आपको लिजर्ड जो नज़र आ रही है, ये एक लिजर्ड है, दिस इज़ नॉट अ स्नेक, और इसके पास लेग्स नहीं हैं। लेकिन अगर हम इसके स्केलेटन को जब देखते हैं तो इसके स्केलेटन के अंदर कुछ रेमिनेंट यानी कि छोटी मोटी, मतलब बहुत ही ना होने के बराबर बोन्स होती हैं पेक्टोरल गर्डल की, और इसके पास स्टर्नम भी बहुत ही थोड़ा सा रेमिनेंट्स ऑफ स्टर्नम मौजूद है। लिजर्ड्स की अगर हम बात करें लेंथ के हवाले से, तो लिजर्ड्स की जो बॉडी की लेंथ होती है ना वो वेरिएबल होती है, और वो कुछ जो होती हैं इतनी छोटी होती हैं जो कि कुछ सेंटीमीटर्स की होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो बहुत बड़ी हो सकती हैं, बल्कि इवन वो 3 मीटर्स तक लंबी हो सकती हैं, ठीक है। लिजर्ड्स जो होती हैं वो कहाँ रहती हैं, वो सरफेस सबस्ट्रेट्स पे रहती हैं, लेकिन वो रॉक्स के नीचे छुप सकती हैं, रिट्रीट कर सकती हैं रॉक्स के नीचे, रिट्रीट का मतलब है छुपना, या लकड़ी के नीचे यानी कि लॉग जिसको हम टैनी कहते हैं, लकड़ी के उसके नीचे छुप जाती हैं जब इनको ज़रूरत होती है, जैसे कि जब इन्हें गर्मी लगेगी या जब इन्हें कोई ख़तरा होगा तो ये रॉक्स और लॉग्स के नीचे छुप जाती हैं, ठीक है। कुछ जो लिजर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो ट्री ड्वेलर्स होती हैं यानी कि दरख्तों के ऊपर रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये अंडे देते हैं अपने या तो रॉक्स के नीचे दे देंगे, या किसी भी डेब्रिस के नीचे दे देंगे, या अपनी बरों के अंदर एग्स लेकर देते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं गेकोस की। ये गेकोस है जिसको हम कॉमन वॉल लिजर्ड भी कहते हैं इसको, तो ये ह्यूमन की ड्वेलिंग्स में हमें अक्सर नज़र आती है ये, लेकिन गेकोस की भी मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है। ये सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती है, ये पतली सी है, शॉर्ट और स्टाउट आपको नज़र आ रही है, इसकी लार्ज आइज़ हैं, रात के टाइम नक्टर्नल रात के टाइम निकलती है, और ये वोकलाइजेशंस प्रोड्यूस करती है यानी कि बड़ी ऊंची आवाज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके बाद ये भी गेकोस की ही स्पीशीज़ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आप इसकी प्यूपिल को देखें, तो यहाँ पर इसकी प्यूपिल जो है वो कंट्रैक्ट की हुई है, और ये इतनी कंट्रैक्ट की है कि नैरो सी स्लिट बन गई है, ठीक है। ये पतली सी स्लिट की तरह आपको नज़र आ रहा है, और इस तरह की जो प्यूपिल होती है वो दिन के टाइम पर नज़र आती है इसमें, लेकिन रात के टाइम पे इसकी प्यूपिल जो होती है वो काफ़ी डायलेट कर जाती है, और ये एक अडेप्टेशन है ताकि ये अंधेरे में देख सके, ठीक है। इसके बाद इन्हीं गेकोज की, अगर ये भी गेको है, और इसकी जो लिम्स होते हैं ना, जो इसके डिजिट्स होते हैं, वहाँ पर एडहेसिव पैड्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये जुड़ सकती हैं, क्लिंग कर सकती हैं ट्रीज़ को के ऊपर के साथ और वॉल के साथ, दीवार के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लिजर्ड की टाइप है, दैट इज़ इगुएनास। तो ये एक इगुएना है जिसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इनकी रॉबस्ट मजबूत बॉडी होती है, इनके पास छोटी सी गर्दन होती है, और इनका नुमाया वाजे डिस्टिंक्ट हेड होता है। इसमें से कुछ हम इगुएनास देखेंगे, जिस तरह के ये एक इगुएना है, और ये इगुएना मरीन इगुएना है गैलापागोस आइलैंड का, ठीक है। इसके अलावा ये है फ्लाइंग ड्रैगन, ठीक है। इसको ड्रैको कहते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसको ड्रैगन, एक्चुअली ये ड्रैगन नहीं है, लेकिन ये फ्लाई कर सकता है, ये ग्लाइड कर सकता है, इसलिए इसका इस तरह का नाम डाला गया। अब हम इसको जो फ्लाइंग ड्रैगन ड्रैको है इसको देख लेते हैं कि इसको फ्लाई करने का मेथड किस तरह का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको बड़ा ही क्लियरली नज़र आएगा, ये देखें, ये देखें, यहाँ पर इसने अपने विंग्स जो हैं वो, इसके विंग्स नहीं, एक्चुअली ये फोल्ड अप स्किन है जिसको ये फैला लेता है, और ये इसके जो बाजू हैं ना, एक्चुअली ये इसके रिब्स हैं जिनके साथ ये लगा, जिसके साथ इसकी स्किन अटैच हुई हुई है। यहाँ से ये देखिए, इसने इसको फैला लिया है अपनी स्किन को, लेकिन ये जो इसके जिसके साथ ये जुड़ी हुई है वो इसके फोल्ड्स ऑफ स्किन है, और ये ग्लाइड काफ़ी दूर तक कर सकता है, ये तकरीबन 30 मीटर या इससे भी ज़्यादा ये ग्लाइड कर सकता है। आप देख सकते हैं इसकी ग्लाइडिंग,
इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है ये एक रिब है, इसकी एक ये रिब है और एक ये रिब है, और इसकी रिब के साथ ये सारा यहाँ पर ये भी रिब्स आपको नजर आ रही है, ये रिब है ये भी रिब है, तो इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर दरमियान में रिब्स हैं जिनके साथ स्किन जुड़ी हुई है, और ये लेटरल फोल्ड स्किन का है ये, और एक ये, और आपने देखा था कि ये इसको स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है, एक्सपैंड करके ग्लाइडिंग सरफेस बना लेता है, जिससे ये किसी भी दरख्त से, इसने आपने देखा कि अपने आप को लॉन्च किया था और ये काफ़ी दूर तक ग्लाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास इगुआना का एक और एनिमल है जिसको हम कहते हैं कैमिलियन, तो ये कैमिलियन है। ठीक है, ये अफ्रीका और इंडिया में पाया जाता है। कैमिलियंस जो होते हैं दे आर अडेप्टेड टू फॉर एरबोरियल लाइफ स्टाइल। आरबोरियल का मतलब होता है कि ये दरख्तों के ऊपर रहते हैं, और इनकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, जैसे हमने फ्रॉग में देखा था उसी की टाइप की कुछ लॉन्ग से स्टिकी टंग है जिससे वो इंसेक्ट को कैप्चर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये स्पीशी जो हम देखने लगे हैं ये भी इगुआना है जिसका नाम है एनोलिस। ठीक है, इसको पेट स्टोर कैमिलियन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ट्रू, इसको ये भी कैमिलियन की तरह की ही लगती है मगर ये ट्रू कैमिलियन नहीं है। ठीक है, और हमारे पास कैमिलियन और एनोलिस ये दोनों, इनमें ये एबिलिटी होती है कि अपने कलर को चेंज कर सकते हैं बॉडी के, हमें देखिए आपको चेंजिंग कलर इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये इनका बिहेवियर भी है या रिस्पॉन्स सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट इनकी चेंज होने की वजह से, लाइट की डेंसिटी इंटेंसिटी के हवाले से अपनी बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं। टेम्परेचर एनवायरनमेंट का हो उसके अकॉर्डिंगली भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा अब हमारे पास एक और स्पीशी है जो कि वेनोमस लिजर्ड है और इसका नाम है गीला मॉन्स्टर। इसकी पिक्चर आपकी बुक में भी दी है। इसका साइंटिफिक नेम है हेलोडर्मा सस्पेक्टम। इट इज़ अ पॉइजनस लिजर्ड ऑफ साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। इसको मेक्सिकन बीडेड लिजर्ड कहते हैं। देखिए इसके ऊपर बीड्स इसकी स्किन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ये हैवी बॉडीड लिजर्ड है और ये साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसका वेनम जो होता है वो ये कैसे रिलीज़ करता है, इसके जो दांत होते हैं दांतों की सरफेस के ऊपर एक ग्रूव होता है यानी कि एक उसके अंदर गढ़ा सा होता है, उस ग्रूव के अंदर ये वेनम रिलीज़ कर देता है, और फिर बाद में वो वेनम जब ये अपने शिकार को पकड़ेगा अपने माउथ में च्यू कर रहा होगा तो उस टाइम पर वो उसके ऊपर वेनम डाल देगा। ठीक है, तो लिजर्ड की बाइट्स जो होती हैं वो इंसानों को के लिए, इस तरह की लिजर्ड्स जो इंसानों को बाइट करती हैं वो इतनी फैटल नहीं होती, जानलेवा नहीं होती। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, तो साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो, और कमेंट्स में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।